नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ पर पितृ दोष है, अगर है तो उसका कारण क्या है। कहते हैं ना हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जो कि पिता अपने बच्चों के लिए 15 संस्कार करता है और वो 15 संस्कार करने के बाद जो 16वां संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। लेकिन 15 संस्कार जो पिता अपने बच्चों के लिए करता है उसमें सब कुछ तो दे जाता है पिता अपने बच्चों के लिए, धन दौलत गाड़ी मतलब उसकी सारी अपनी खुशियां छोड़ जाता है। और आपने क्या वो सारी खुशियां जो पिता का फर्ज था किया था, लेकिन अगर आप अपने पिता को खुश नहीं कर पाते थे, उनको सुख की सैया नहीं दे पाते थे, उनके मन की चीजें नहीं करते थे, उनको परेशान करते थे, उनको तड़पाते थे, उनकी आत्माओं परेशान करते थे, अगर इन सारी चीजों का आपने उनके दुखों का कारण बना है और जो अंतिम समय अंत्येष्टि संस्कार होता है अगर आपने वो भी सही विधि विधान से नहीं किया है तो आत्मा तो तड़पेगी, वो आत्मा भटकेगी और उसी की कुछ छाप आपके काम पे आपके विघ्न बाधाओं का कारण बनेगा, क्योंकि वो चीजें सारी सुख सुविधा उनको नहीं मिला है। कहते हैं ना कि पितृ दोष बन जाता है, कारण यही है कि आप अपने पिता को खुश नहीं कर पाए, उनकी आत्मा को तृप्त नहीं कर पाए विधि विधान से और वो छाप आपके हस्तरेखा में उनके कुछ लक्षण हैं। और कारण तो यही बनता है कि उनको आपने सुख सुविधाएं नहीं दिया, उनको आपने परेशान किया है तो तृप्त नहीं होगी आत्मा। वो देखने के लिए कहते ना अश्विन मास में कृष्ण पक्ष के जो 16 दिन होते हैं, ये पितृपक्ष होता है जिसको हम श्राद्ध कहते हैं, आत्माएं जरूर आती हैं अगर आपने उसका निदान किया है तो ये आत्माएं तृप्त होकर हमेशा के लिए वास करने चली जाती हैं और आपको आपके आने वाले काम में विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। तो देखते हैं अपने हाथों पर क्या असर छोड़ के जाती हैं ये पितृ की आत्माएं। सबसे पहले ये जीवन रेखा, जीवन रेखा जैसे कि हम जीवन की एक एक घटना क्रम की बात करते हैं उसके बारे में बताती है, और इसी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा हमारे मन के बारे में बताती है, हमारे विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से ये हृदय रेखा कहते हैं ना कि प्रेम की सूचक है। प्रेम का शब्द जहां पे जुड़ता है एक आत्मीयता का व्यवहार हो जाता है। अब उस आत्मा ने जो आपके पिता की खुशियां थी वो नहीं आप कर पाए तो कुछ ना कुछ तो छाप आपके हाथ पर जरूर देखने को प्राप्त होगा, जैसे कि आपके हर काम में विघ्न बाधाएं आएंगी, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके व्यापार से रिलेटेड, आपके व्यवसाय से रिलेटेड। अगर ये भाग रेखा आपकी ये टूट टूट के चल रही है, कहीं ना कहीं पितृ के दोष को दर्शाती है। आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं, समय पर नहीं होना, आपका व्यवसाय ठीक ढंग से ना चल पाना, और इसी प्रकार से ये सूर्य के पर्वत के ऊपर एक सूर्य की रेखा, ये कटी ये काट दे इसका मतलब आपको मान सम्मान न मिल पाना, किसी भी क्षेत्र में जाना उदासी का कारण बन जाता, काम सही समय पे नहीं हो पाता, आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगा, आपका मन अशांत हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये शुक्र का क्षेत्र है, ये शुक्र के क्षेत्र पे जाल,
आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो पाता है, बच्चों का सुख नहीं मिल पाता है और पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति बनी रहती है, कलह कलेश का कारण बनता है। शुक्र जो कहते हैं ना कि लग्जेरियस का लाइफ देता है, वो आनंद प्राप्त नहीं करने देता है। ये पितृ का दोष इस तरह श्रापित हो जाता है। और इसी प्रकार से ये मून के क्षेत्र पे ये जाल बन जाना, ये मन की स्थिति को विफल कर देता है। आप किसी न किसी एक नए सोच में पड़े रहेंगे, मन आपका अधिकता की तरफ भागेगा, आपका मन सही जगह पे नहीं काम कर पाएगा, दिमाग परेशान सा लगेगा आपका कि हम किस काम को करें, किस क्षेत्र में करें, मन के अंदर एक उदासी का कारण बना रहेगा। और इसी प्रकार से ये जो हमारी हृदय रेखा है, ये जीवन रेखा के साथ मिल जाए तो हम किसी निर्णय में सफल नहीं हो पाते। हमारा जो माइंड है ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। हम दूसरे के अनुरूप में चलते रहते हैं, दूसरे के साथ चलने का प्रयास करेंगे, अपना माइंड जो है स्थिर नहीं हो पाएगा। और यहां पर एक दीप भी बन जाना गुरु के पर्वत के ऊपर, कहते हैं ना, ये भी एक कला कलेश का ही कारण बनता है। और ऐसे लोगों का जो क्षेत्र होता है काफी गंभीर सा लगता है, वो जीवन एक निराशा की लाइफ जीता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।